नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती गहलोत। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज हमने दो बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। आज मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि 2021 में जब कोरोना काल का संकट पूरे विश्व पर था, ऑक्सीजन की कमी आई थी, तब मनोहर लाल खट्टर ने निर्णय लिया था कि हरियाणा में हम ऑक्सीजन वन लगाएंगे। आज मेरा सौभाग्य है कि उसका उद्घाटन करने का अवसर मुझे मिला है। 75वें वन महोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज जो दो बड़ी परियोजनाओं का हमने आज शुभारंभ किया है, एक बड़ी योजना है कि लगभग 50,000 के करीब में वन मित्र जो पौधा लगाएंगे, अपने आप रक्षण करेंगे। हर पौधे पर वन मित्र को 20 रुपया सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसी प्रकार से एक दूसरी बड़ी योजना जो 5 जून को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिसका शुभारंभ किया था, एक पेड़ माँ के नाम, हरियाणा में आज हमने उसका भी शुभारंभ किया है। जो भी व्यक्ति अपने आप जो भी पौधा लगाएगा, पौधा लगा करके उसका संरक्षण हमारे जो वन मित्र हैं उसके हैंड ओवर करेगा, वो उसका संरक्षण करेगा, प्रति पौधा उसको भी 10 रुपया देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और आज मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि 2021 में जब कोरोना का संकट पूरे विश्व के ऊपर था, ऑक्सीजन की बड़ी कमी आई थी, आदरणीय मनोहर लाल जी ने तब ये निर्णय किया था कि हरियाणा के अंदर हम ऑक्सीजन वो लगाएंगे। राजस्थान के जयपुर में आयोजित बीजेपी की वृहत प्रदेश कार्य समिति बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जादूगर की जादूगरी धरी रह गई, राजस्थान की जनता असली जादूगर बनकर उभरी और बीजेपी को भारी बहुमत से जिताया है। कहते थे कि पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में हम सुनते थे, अरे बड़ा जादूगर है, सरकार ले आएगा, लेकिन जादूगर की जादूगरी धरी रह गई, असली जादूगर राजस्थान की जनता बन के उभरी और भारतीय जनता पार्टी को विशाल बहुमत से जिताया। याद करो, हमारे पहले अध्यक्ष ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, उन्हें कहा था उस समय गरज, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, और स्वतंत्र भारत में देश की अखंडता के लिए अगर सबसे पहला बलिदान दिया था तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था। हम इस भारत के निर्माण के लिए काम करने चले थे और आज मुझे गर्व है एक कार्यकर्ता के नाते अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था, और जैसे ही पूर्ण बहुमत की, शानदार बहुमत की सरकार बनी, कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गई, एक देश में दो निशान और दो विधान नहीं है, दो प्रधान भी नहीं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया के सवालों पर कहा कि मीडिया और मनोरंजन उद्योग रोजगार का एक बड़ा स्रोत है जो वर्तमान में देश में लगभग 25 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है। उद्योग में प्रौद्योगिकी की भूमिका को ध्यान में रखते हुए और अधिक रोजगार सृजित करने के लिए संरचनात्मक परिवर्तन के दौरान सृजित अवसरों का दोहन करते हुए स्थापना की गई है। मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा रोजगार का साधन है। आज करीब करीब देश में 25 लाख के आसपास रोजगार है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। ये इंडस्ट्री एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल चेंज के दौर से गुजर रही है और उसमें जो टेक्नोलॉजी का रोल बढ़ रहा है, उस रोल को ध्यान में रखते हुए इस अपॉर्चुनिटी को, स्ट्रक्चरल चेंज के समय में जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, उस अपॉर्चुनिटी को कैसे हार्नेस किया जाए, कैसे उसका लाभ उठाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार क्रिएट किया जाए, इस भावना को लेके
कंप्लीट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी के उपयोग से इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देना और रोजगार ज़्यादा उत्पन्न करना, इस भावना के साथ वेव्स की एक कल्पना की गई है। ये ग्लोबल समिट जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है गोवा में, उसके साथ ही किया जाएगा। मेरे साथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गोवा हैं। इफ़ी और वेव्स मिलके एक तरीके से मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए एक बड़ा साधन बनेगा। इफ़ी एक तरीके से आउटपुट है और वेव्स उसमें इनपुट है। टेक्नोलॉजी और आज के जो लेटेस्ट टूल्स हैं और लेटेस्ट टैलेंट है उससे। नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि पुराने कानून अंग्रेजों ने सजा देने के लिए बनाए थे, नए आपराधिक कानून न्याय देने के लिए बनाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि अंग्रेजों का इरादा सिर्फ दंड और सजा देना था, लेकिन हमारा इरादा न्याय देना है। ये देखो, डिटेल में तभी मैं बोल नहीं सकता हूँ, टाइम लगेगा एक्सप्लेन करने में। नया जो कानून बनाया, क्रिमिनल लॉ 3, IPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट को चेंज करने का मूल कारण है कि पुराना कानून जो है वो अंग्रेजों ने बनाया और वो सिर्फ सजा देने का लक्ष्य से कानून बनाया। अब जो नए कानून जो बनाया है वो है न्याय देने का लक्ष्य। यानी कि अंग्रेजों का लक्ष्य था पेनल्टी, सजा। अब हमारा लक्ष्य है न्याय, जस्टिस हो जाना। ये डिफरेंसेस है, इसलिए नया कानून। हिदार छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा में उपचुनाव नतीजों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, मुझे इस बात की प्रशंसा है कि पिछली बार छिंदवाड़ा में हम लोकसभा जीते थे और इस बार हम उपचुनाव भी जीते हैं। ये विश्वास भाजपा और जनता के बीच का रिश्ता बताता है, खासकर जनता सरकार पर भरोसा कर रही है। मैं अमरवाड़ा की इस जीत पर मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उपचुनाव में छिंदवाड़ा भी हम पिछली बार लोकसभा जीते थे और छिंदवाड़ा के अंदर अमरवाड़ा विधानसभा भी हम उपचुनाव में जीते हैं। ये विश्वास भाजपा का जनता के बीच का रिश्ता बताता है और खास करके जनता जो सरकार पे भरोसा कर रही है, संगठन के साथ भाजपा की आइडियोलॉजी पर भरोसा कर रही है, ये निश्चित रूप से हम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी ओर से अमरवाड़ा की इस जीत पर मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूँ, अमरवाड़ा की जनता को बधाई देना चाहूंगा। आज मैं मुंबई में हूँ, लेकिन मेरा मन लगा हुआ है कि मैं, ऐसा लग रहा है कि अमरवाड़ा की जीत में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, वहां की जनता के साथ उस जश्न में शामिल हूँ। मेरी अपनी ओर से एक अच्छी जीत की बहुत बधाई। उत्तराखंड के बद्रीनाथ विधानसभा सीट से अपनी जीत पर कांग्रेस उम्मीदवार लखपत सिंह बुटोला ने कहा कि बद्रीनाथ की जनता का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। तमाम लोग जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से न्याय की इस लड़ाई में मेरा साथ दिया है, उन्हें इसका श्रेय जाता है। उसके लिए बद्रीनाथ की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, अपने शीर्ष नेतृत्व का और अपने मेरे जो सहयोगी है, पार्टी के साथी लोग हैं और तमाम लोगों ने जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस नैतिकता की लड़ाई में मेरा साथ दिया है, उन सब लोगों को इसका श्रेय जाता है। पंजाब की जालंधर पश्चिम सीट पर आपकी जीत पर आप नेता संजय सिंह ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को वरदान मिला है, जो भी आम आदमी पार्टी को धोखा देगा जनता उसे चुनाव में बुरी तरह हराएगी और उसका राजनीति करियर खत्म हो जाएगा। जो भी आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होगा उसका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। देखिए, आम आदमी पार्टी को एक वरदान मिला है कि जो भी आम आदमी पार्टी को धोखा देगा उसको जनता बुरी तरीके से चुनाव में हराएगी, राजनीति उसकी खत्म हो जाएगी। एक नहीं, अनेक उदाहरण उठा के देख लीजिए आप। कोई कोई तो मुख्यमंत्री बनने बीजेपी में चला गया था, अपनी सीट नहीं बचा पाया। तो इसलिए इतिहास उठा के देख लीजिए, जो भी आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में गया उसकी राजनीति खत्म हो गई। रिंकू गए, चुनाव हार गए, ये शीतल गया, ये भी चुनाव हार गया। तो इसलिए आम आदमी पार्टी एक परिवार है, सब लोग साथ में रहिए, मिलजुल कर रहिए, संकट के समय में एक साथ रहिए, बड़ी से बड़ा लड़ाई हम लोग जीतेंगे। तो इसलिए ये जो चुनाव हुआ था,
ये बीजेपी ज्वाइन करने की वजह से हुआ था। पंजाब के मुख्यमंत्री ने पूरी मेहनत की वहां रह के अपने मंत्रियों विधायकों के साथ, एक एक कार्यकर्ता लगा, भगवंत मान जी लगे, तो सारे लोगों ने मेहनत करके वहां की सीट जिताई और ये बड़ी जीत है। 38,000 वोटों से जो जीत हुई है ये कोई छोटी जीत नहीं है। उत्तराखंड में विधानसभा उपचुनाव पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मीडिया के सवालों पर कहा कि यह बद्रीनाथ और मंगलोर दोनों सीट कांग्रेस जीती। उत्तराखंड की जनता तक परिवर्तन का संदेश थोड़ा लेट पहुंचा, नहीं तो लोकसभा के नतीजे कुछ और होते। तो ये दोनों सीटें हम जीतेंगे क्योंकि उत्तराखंड की जनता तक परिवर्तन का संदेश जरा सा देर में पहुंचा, नहीं तो लोकसभा चुनाव के नतीजे कुछ और होते। लेकिन इन चुनावों में हमने लोगों से कहा कि आप विपक्ष धर्म निभाने के लिए हम मजबूती से और ज्यादा शिद्दत के साथ और शक्ति के साथ उसका निर्वहन कर सके, हमें ताकत दीजिए, और लोगों ने वो ताकत दी है, हमको वो समर्थन दिया है। जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, छठा राउंड चल रहा है, कांग्रेस आगे चल रही है, हम मंगलुरु में भी शानदार जीत हासिल करने जा रहे हैं और बद्री केदार में भी हम जीत हासिल करने जा रहे हैं। इधर हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में कांग्रेस को मिली जीत पर नेता प्रतिभा सिंह ने कहा, हमारे लिए यह खुशी की बात है कि उपचुनाव में हम दो सीटों पर कामयाब हुए हैं। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देती हूँ, दिन रात मेहनत करने के लिए उनका आभार व्यक्त करती हूँ। ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि जो ये उपचुनाव में हम दो सीटों पे कामयाब हुए हैं, उसमें मैं पार्टी के वर्कर्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने रात दिन मेहनत की, जिसकी वजह से हमारी ये उपचुनाव में हमारी जीत हमने हासिल की है। पूरे भारतवर्ष में भी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी ये रुझान देखने को मिल रहा है कि इसमें जो हमारा गठबंधन था उसको लोगों ने अपना समर्थन दिया है। बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में होते हुए हमने फिर भी वहाँ पर कांग्रेस की ने जीत हासिल की है, उसके लिए भी हम उनको बधाई देते हैं, उनके पार्टी वर्कर्स को बधाई देते हैं कि आपने इन जीतों को, इन सीटों को जिताया। सबसे बड़ा श्रेय हमारे श्री राहुल गांधी जी को जाता है, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली और भारत जोड़ो यात्रा के तहत वो लोगों से मिले, लोगों से उन्होंने संपर्क किया, अपने जज्बातों को उनको जानने का उनको मौका मिला और उसी तरह से आज उसका रुझान हमारे सामने है। हम हिमाचल प्रदेश में भी देख रहे हैं कि हमने उपचुनाव जो एक इससे पहले हुए और ये उपचुनाव जो आए उसमें भी कांग्रेस की जो विजय हुई है उसके लिए हम सरकार को भी बधाई देते हैं कि सरकार ने 14 महीने में जो काम किया है उसके लिए सरकार को भी श्रेय जाता है। हमने जो जो मैनिफेस्टो में बातें की है उन मैनिफेस्टो पर भी हमने 4-5 बातें पूरी करके लोगों को दी है, चाहे वो आपकी OPS का मामला हो, चाहे वो 1500 महिलाओं को देने की बात हो, चाहे दूध के रेट कम करने की बात हो, और इसी तरह से हम बाकी जो हमने वायदे किए हैं उन वायदों को भी हम समय रहते उसको अवश्य पूरा करेंगे। हरिद्वार जिले की मंगलोर सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन की जीत पर कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद ने कहा है कि मैं मंगलोर की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, हमारे सभी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मंगलोर में डटे रहे, बीजेपी लट के बल पर वोट लेना चाहती थी, जनता ने उनके इरादों को नेस्ता नाबूद कर दिया है। सबसे पहले अपनी मंगलोर की जनता के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हमारे सभी विधायक, हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे सभी कांग्रेसी मंगलोर डटे रहे और सबको समझाया और ये वहाँ की जनता ने हमें जीत दिलाई, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लट के बल पर वोट लेना चाहती थी मगर मंगलोर की जनता ने लट का जवाब वोट से दिया और भारतीय जनता पार्टी का जो इरादा था वो नेस्ताबूत कर दिया और बद्रीनाथ भी हम जीते। इसलिए हमारी जो जनता जाग चुकी है कि ये भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है और लोगों को गुमराह करती है कि आने वाला टाइम भी कांग्रेस का होगा और इंशाल्लाह आने वाले 27 भी हमारे कांग्रेस की पार्टी की यहाँ पे सरकार बनेगी, ये हमें उम्मीद। उत्तराखंड में विधानसभा उपचुनाव में मिली हार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि चुनाव के परिणाम हमारे पक्ष में नहीं है, जिसे मैं स्वीकार करता हूँ, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बहुत समर्पण के साथ काम किया है।
देखिए नतीजे हमारे अनुकूल नहीं रहे, इस सच्चाई को मैं स्वीकार करता हूँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने बहुत निष्ठा से काम किया और मंगलोर की जनता का तो मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि जहाँ हमारी जमानत जब्त होती थी, आज हम कांग्रेस को हराने की कगार तक पहुँचे, हरा नहीं पाए लेकिन कांग्रेस को हराने की कगार तक पहुँचे। बदना विधानसभा कांग्रेस की थी, अपने सीट बचाने में कामयाब रहे। मैं कांग्रेस के प्रत्याशी को बधाई देता हूँ, लेकिन कांग्रेस अति उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, भाजपा जाति वही है। ठीक है कि राजेंद्र भंडारी जी ने विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए सत्ता दल को ज्वाइन किया था, मैं बद्रीनाथ की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि क्षेत्र के विकास के लिए राजेंद्र भंडारी जी ने जो जो वादे वहाँ की जनता के बीच में किए उसको हम पूर्ण करेंगे। सरकार में हमें मंगलोर की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि वहाँ की जनता से हमारे प्रत्याशी बढ़ाना, जिनको कांग्रेस भारी प्रत्याशी गा गा कर अपना एक प्रकार से उनको आज जनता ने बेनकाब कर दिया। कांग्रेस के नेताओं को भी उत्तर दे दिया कि अब वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जनता पार्टी अपने को उस मुकाम तक पहुँचाएगी। ठीक है, हार हार होती है, हम उसकी समीक्षा करेंगे और भविष्य के अंदर सीटें भारतीय जनता पार्टी पक्ष में आए उसका हमारा प्रयास रहेगा। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने कहा है कि हरियाणा की जनता परिवर्तन करने का मन बना चुकी है। देश की जनता ने सभी परिवर्तन करने का काम किया है। लगातार तीसरी बार केंद्र में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, ऐसे ही हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी, कांग्रेस अपने समय का हिसाब दे। बिल्कुल, हरियाणा प्रदेश की जनता परिवर्तन करने का मन बना चुकी है, देश की जनता ने भी परिवर्तन करने का काम किया। 1960 के बाद में ये परिवर्तन हुआ कि लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आई है। इसी तरीके से ये रिकॉर्ड भी प्रदेश की जनता बनाएगी कि लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी। कांग्रेस अपने समय का हिसाब दे। कांग्रेस के अंदर जब भी सरकार थी, आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से सुबह अखबार उठाते थे, टेलीविज़न का अगर जो चैनल खोलते थे कोई भी न्यूज़ चैनल, तो रोज़ कोई न कोई नया नया घोटाला आता था। कभी कॉमनवेल्थ घोटाला, कभी पूजी सप्रेम घोटाला, कभी कोल घोटाला, यानी बड़े बड़े घोटाले करने का काम किया कांग्रेस पार्टी के समय में। तो हिसाब देने का लोग तो वो करें जिनके ऊपर आज केस लंबित है, बेल पे हैं। बिल्कुल, हरियाणा प्रदेश की जनता परिवर्तन करने का मन बना चुकी।